भागवत वह रस है जिसे पीने से जीवन का उद्धार हो जाता है। नगला लाली में विजयपाल सिंह यादव पूर्व सहायक विकास अधिकारी पंचायत के घर पर भागवत की अमृत वर्षा हो रही है। श्री हरि की कृपा से अहमदपुर के नगला लाली में श्रीमद् भागवत के शब्दों का रसास्वादन करने परम पूज्य व्यास जी की श्री जागेश्वर चेतन जी महाराज के मुखारविंद से सुनने को मिलेगा। आज कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर नमस्कार, मैं मुलायम सिंह चौहान, आप देख रहे हो खबर है। थोड़ा जनपद आगरा के तहसील यतमतपुर के गांव नगरा लाली में है, जहां पर आचार्य जोगेश्वर समर चेतन जी द्वारा इस नगरा लाली में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सुनने को अवसर प्राप्त होगा। आज हम यहां पर आए हुए, यहां आज कलश यात्रा निकाली गई है जिसमें सैकड़ों कन्याओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई है लगातार, और आज ये पहला दिन है। पहले दिन यहां पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ रही है। आप देख सकते हैं, अभी आप देखोगे हमारे चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर जो कथा हो रही है बहुत ही सुंदर कथा है। यहाँ लोग आकर के कथा का श्रवण करें और लगातार भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनने के लिए बड़े ही सौभाग्य से ये दिन प्राप्त होता है। देखते रहिए लगातार खबर एक्सपर्ट। मैं डॉक्टर हरेश यादव नगला लाली से हूँ, जो हमारे पिताजी आयोजन कराने जा रहे हैं श्री विजयपाल सिंह यादव वीडियो साहब, मैं उनका बेटा हूँ और हमारे यहाँ आज कथा का प्रथम दिन है। आज कार्यक्रम की शुरुआत है, कलश यात्रा निकली है। श्रोताओं के लिए एक यही संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे शुभ कार्य बड़े ही भाग्य से मिलता दिन आता है, इतना शुभ कि ऐसे कार्य करने का मौका मिलता है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी श्रोता है सभी बुराइयों को छोड़कर अच्छे सत्मार्ग पर चले और ऐसे कार्यक्रम कराते रहे। मेरा नाम दीप्ति यादव, आज हमारे गाँव नंगल लाले में भगवान कृष्ण की कथा का आयोजन हुआ है, उसमें मैंने कलश भरा है और सभी कल्याणी बड़ा है, हमें बहुत खुशी हो रही है।